मित्रों नमस्कार, या बोलो जय हिंद, या अपने घर में बैठे बैठे बोलिए जय हिंद, जय हिंद, शाबाश। नमस्कार आप सबको, बहुत स्वागत है। आप देखो बहुत उपसर्ग का बहुत खतरनाक खेल लेकर आ रहा हूं। खतरनाक का मतलब जो बिल्कुल वहां पर -2.66 करवा दे। तो पहले हम लोग यहीं पर कर रहे हैं, ओके। ये देखिए मानवी है, योगेंद्र है, और सोम है, कमलेश है, सुरभि है। आप सबको नमस्कार। योगेंद्र मीना, राजवीर, सुनीता जाट, सुरभि भारद्वाज, योगेंद्र कुमार, दीपक कुमार, प्रीति एंड अभिषेक एकता और ओके प्रीति एंड प्रियंका मीना, जगदीश चौधरी, आप सबको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। एकता गायत्री और मनीष और चतुर्वेदी, आकाश और राजरानी चतुर्वेदी, या देखिए, और पुखराज और चंद्रपाल सिंह, सौरभ, एकता, बास, जगदीश, सब यही वापस आ रहे मित्रों। खतरनाक है उपसर्ग। ये देखो मैं थोड़ा हट जाता हूं। आपको सबको नमस्कार। बिल्कुल प्रीति, आपको भी नमस्कार। देखो इसमें से ये रे बताइए, इसमें से उपसर्ग छांटिए। ये आप सबके लिए उपसर्ग है, उपसर्ग छांटिए इसमें से। देखो अन्वीक्षा में उपसर्ग क्या है, एक एक करके उपसर्ग चलेगा। ये बहुत खतरनाक मामला है, इसलिए अच्छी तरह देखिए। वॉइस नॉट क्लियर, आवाज अच्छी नहीं आ रही क्या आपको? क्या प्रॉब्लम्स? वॉल्यूम प्रॉब्लम? अच्छा, ओ सौरभ है, ओ सौरभ नहीं सर, ओके ओके सौरभ, राइट राइट सौरभ, या सौरभ, ओके। आपका एकता आपका कमेंट शो रहा है बिल्कुल। ललतेश खोड़ा, सर कोर्स कितने दिन में हो जाएगा? कोर्स को कम से कम दो महीने लगेंगे। यस अनवीक्षा, शाबाश अनुवरीक्षा, अनु आ गया बिल्कुल, इसमें अनु उपसर्ग है, ओके अनु उपसर्ग है। चलिए ये अनुदित में कौन सा उपसर्ग है? अनुदित में शाबाश, कमलेश ने लिख दिया अनु उपसर्ग है, ओके। और अनुदान में कौन सा उपसर्ग है? ये अनु है, और ये अनुदान में देखो अनु उपसर्ग है। अनुदार में कौन सा उपसर्ग है बताइए? मैं इंतजार करूंगा, आप अनुदार में कौन सा उपसर्ग है उसको छांटिए। अनुदित या सुनीता बिल्कुल सही है। ठाकुर, नरेश, आकाश, सुनीता, जगदीश, नरेश दीवान, बिल्कुल नरेश दीवान का है। और बिद्राराम दोनों तारीख को लाइव बता रहा है, क्या बात है, 18-20। योगेंद्र और चंद्रपाल, अनुकरण, आप मेरी आवाज में कंपन हो रही है? अच्छा कंपन हो रही है तो आवाज तो बगर कहां पे, ठीक ठाक बहुत तसली से बोल रहा हूं। और ये कह रहे हैं ललितेश तो कह रहे हैं आवाज ही नहीं आ रही। देखो भाई आवाज वाले, हमारी टेक्निकल टीम देखिए, या फटी आवाज आ रही है, आवाज फटी है, इसका मतलब देखो कहीं, या देखो सेलवेल, इसके सेलवेल कमजोर तो नहीं हो गए? इसको देखो आप लोग, बच्चों को आवाज नहीं आ रही। शाबाश अनुदार, अनुदार प्रियंका गड़बड़ हो गया, गड़बड़ अनु नहीं है, या अन में कमलेश मीना आपको है, वॉइस प्रॉब्लम है। देखो ये अन और उदार है, अन उदार, देखो अनु और ईक्षा है, अनु और ईक्षा, अनु और उदित बिल्कुल जैसा आप लोगों ने किया, और अनु और दान। अब आप सोचिए ये अनुदान में सिर्फ न और रे का अंतर है, लेकिन जब तक अर्थ में नहीं जाएंगे अनुदार नहीं होगा। प्रियंका अनुदार नहीं, गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है, ओके। देखो आप लोग, देखो भाई टीम वाले, कहीं मेरे पास में इसमें कहीं आवाज में कहीं सेल कमजोर है, बच्चों को आवाज ठीक नहीं आ रही है। देखो दोनों को देखो, अनुदान और अनुदार, अनुदान में मूल शब्द है दान, अनुदान में मूल शब्द है दान, और दान जैसा ही दान देता है। या अब आवाज ठीक आ गई, आप देख लेना अब आवाज ठीक हो जाएगी, निश्चिंत रहे हैं आप लोग। देखो अनुदान में जो है ना, यह है अनुदान, अनुदान में मूल शब्द दान और अनुपसर्ग है दान जैसा दान, लेकिन अनुदार में दार के बाद दार नहीं होता, दार जैसा दार नहीं है, अनउदार, जो यह है अन और ये उदार है, अन और उदार है, और उदार में भी
उद और आर है, जो पढ़ा था आपने कल, दो उपसर्ग है अनुदार, लेकिन चलो उद तक पहुंचो या न पहुंचो, लेकिन ये तो आपको पहुंचना ही चाहिए। अन उदार उसे कहते हैं जो उदार नहीं हो, बड़े दिल का ना हो, बहुत छोटे दिल, संकीर्ण ढंग से सोचता हो, उसे कहते हैं अनुदार। ये अनुकरण है, अनुकरण और अनुर्वर, यह अन और उर्वर, ये अनुर्वर है। ये न को उ करके क्या बनेगा, ये अनुर्वर है। अनुर्वर जो उर्वर नहीं है, उपजाऊ नहीं है, वो अनुर्वर है, अन और उर्वर। अब देखो यहां पर, देखिए इसमें, देखिए अनुत्पादक में क्या बनेगा, अन और उत्पादक, अन और उत्पादक बनेगा, और उत्पादक बनेगा उद और पादक, उद उपसर्ग और है, उद और पादक, ये पादक अनुपयोगी में। ये देखिए मैं इधर लिखता हूं, अन और उपयोगी बनेगा। अब आप देखिए सब अनु दिख रहा है, अनु दिख रहा है, लेकिन अनु बनेगा। मसला क्या है इसको अब अच्छी तरह समझिए। देखो जो गलती होती है हमसे क्यों होती है, शब्द को सोचिए, दो चीजें हैं हमारे यहां, एक अनु है, अनु अनुकार थे पीछे, पीछे बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसर्ग दे रहा हूं, परीक्षा में आने वाला है, परीक्षा में आने वाला है, इसको देखिए आप, ये अनु पीछे और बाद में कह रहे हैं, अभी भी आवाज साफ नहीं आ रही, महेंद्र कह रहे हैं अभी भी आवाज साफ नहीं आ रही है, देखिए देखिए कहीं पर। अब देखिए अनुकार थे, आप अभी पहले समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये अनु का पीछे और बाद में, बाद में, और एक हमारा अन है, अनकार थे नहीं, अनकार थे नहीं, विलोम बनाने के अर्थ में काम आता है। और जो अगर ये है उपयोगी, अब उपयोगी अगर शब्द है, उपयोगी तो न और उ मिलके क्या बनेगा, अनु, और ये बनेगा अनुपयोगी, अन और उपयोगी बनेगा अनुपयोगी, इसमें अन उपसर्ग है और उप भी है, ये देखो न और उ बनेगा अनुपयोगी। अगर आप इसमें से अनु छांट लेंगे, अनुपयोग में से अनु छांट लेंगे, तो उपयोगी का कोई अर्थ नहीं होगा, और अर्थ रहना चाहिए बाद में, क्योंकि उपसर्ग लगता किसके, शब्द के, और शब्द में अर्थ होता है, शब्द की परिभाषा ही यही है कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं, वर्णों का सार्थक समूह। देखो ये कमेंट्स देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, ये आवाज में वॉइस नहीं आ रही है, आवाज गड़बड़ है, देखो अच्छी तरह दोबारा देखो भाई, इसका मतलब आवाज कहीं से कनेक्ट हो रही है क्या। अब देखिए अनु, अब अन के बाद जितने भी ऊ शब्द होंगे, उर्वर उपलब्ध, ये अन के बाद, ये अन बन जाएगा, अनु बन जाएगा, अनु अनु, उर्वर उपयुक्त उपलब्ध, और उपमा, देखिए सब में ऊ है, और अगर अन लगेगा तो सब अनु हो जाएंगे, इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि हमको अन और अनु में देखना चाहिए। अगर कोई शब्द जो है वो विलोम जैसा अर्थ दे रहा है तो फिर वो अनु नहीं है, अन है। देखो अनुदार जो उदार नहीं है, अनुर्वर जो उर्वर नहीं है, उर्वर यानी उपजाऊ, अनुत्पादक जो उत्पादक नहीं है, अनुपयोगी जो उपयोगी नहीं है, उपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अनुचित जो उचित नहीं है, अनुपलब्ध जो उपलब्ध नहीं है, अनुपयुक्त जो उपयुक्त नहीं है, बेजा दिमाग लगाना पड़ेगा सब। हम लोग यूं देख देख करके अनु अनु के आधार पर हम उपसर्ग नहीं छांट सकते, हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये अन है या अनु है। तो देखो ये सब के सब अन है। अब आप देखिए अच्छी तरह से, देखो यहां तक तो अनु हो गया, लेकिन ये अन हो गया अनुदार। अनुकरण में फिर अनु है, क्योंकि करण करना, एक काम करना, उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी काम करे, दूसरा करे। आईटी टीम थोड़ा सा ध्यान दें, क्या बात है, ये आवाज गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रही बच्चों को, जो पढ़ा रहा हूं मैं समझ में नहीं आ रही उन तक,
ये कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा मेरा माइक का तो सेल देख लीजिए, यहां पर कहीं मेरे माइक के सेल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। कहां जा रही है आवाज, आ रही नहीं कह रहे हैं नहीं। है ओके, खुशी यादव ये कह रहे हैं, खुशी कह रहे हैं एक बार माइक ऑफ करके वापस ऑन करें शायद सही हो जाए। अरे देखो इधर आकर के कमेंट्स तो देखो ना आप, उससे से मतलब नहीं है, हमारे अपने नेटवर्क की बात अलग है यहाँ की, यहाँ तो हमारे सही आ रही है आवाज, हमने जो चला रखा है सही आवाज आ रही है। ऑन करें, आवाज साफ नहीं आ रही है, ललितेश खोड़ा कह रहे हैं रही है सर, वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है, आपका कमीज अड़ रहा है, कमीज तो सही है, कमीज तो मेरे पास तो सही आ रही है। जगदीश चौधरी कह रहे हैं सही आ रही है, राइट है अब शायद सही हो गई क्या, मेरे पास सही आ रही है। सोम भी कह रहे हैं सही आ रही है, ओके जब सही आ रही है तो ठीक, ओके जब आपके पास अब सही आ रही है ठीक, सही आवाज ओके। देखो फिर से इसको देखो, पता नहीं क्या ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला है, मैंने खुद ने परिष्कार ने ऐसे इतने टेस्ट पेपर्स इसके बनाए और परिष्कार के टेस्ट पेपर्स को लेकर के काफी पेपर सेटिंग होती है, इसलिए ये सब मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस अनु और अन के खेल को, और अब इसमें से काफी हो रहा है। देखो ये अनुरीक्षा यण संधि होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनु और उदित में दीर्घ संधि होगी, छोटा और छोटा बड़ा हो गया दीर्घ संधि है, अनुदान में कोई संधि नहीं है, संयोग अनु और दान, लेकिन ठीक ऐसा ही अनुदार में अन और उदार है, और अनुकरण में करण है, एक व्यक्ति करे उसके बाद में दूसरा व्यक्ति करे, ये करण है। अन उर्वर, अब जो उर्वर नहीं है, न और उ मिलके क्या बनेगा, अनुर्वर बनेगा, अनुर्वर। अब देखो यहां पर तो खैर संधि का ज्ञान होना चाहिए, इसमें यण संधि है और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन बाकी में संधि नहीं है मित्रों, बाकी में तो केवल अर्थ के आधार पर जाएंगे आप। हरीश राठौर फिर आप थोड़ा सा सही कह रहे हैं, देखो एक बार सेल सेल को अच्छी तरह से चेक करके यहां देख लो, सेल में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बच्चे कह रहे हैं इसके सेल सेल बदल करके अच्छी तरह देख लीजिए ताकि बच्चों को। हेलो आप बताइए थोड़ा देखिए, लेकिन इसको सेल चार्ज किया हुआ तो नहीं रखा ना आपने, ओके देखो भाई इसको देखिए, अब अनुत्पादक विलोम है, अनउत्पादक तो यहां से उत्पादक को साटिए, अन उपयोगी, अन उपमा, ये एक और है उपमा का खेल, इसका आ ए में बदल जाता, अनुपमा नहीं बनता, अन उपमा, ऐसे निर उपमा, ये निर और उपमा, इसका भी आ गायब हो जाएगा और ये बनेगा निरुपमा, निरुपम, ये बनेगा निरुपम। अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको आ प्रत्यय और लगाना पड़ेगा तब बनेगा निरुपमा। अनुचित, अनुचित, ये अनुचित होगा, और अनुपलब्ध, ये बनेगा अनुपलब्ध, और ये अनुदिन है, और ये अनुपयुक्त है, ये देखिए अनुपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त में उप उपसर्ग है, उपलब्ध में उप उपसर्ग है, उपमा में उप उपसर्ग है, मां का अर्थ है तुलना करना, ये शब्द है तुलना करना, दो में तुलना करते उपमा है, यहां भी उप उपसर्ग है, यहां पर उद उपसर्ग है, अलग है यहां जो है, और यहां पर उद उपसर्ग है, उद और आर, और उद और इत, अनुदित, यह है उद और इत,
ये हमारे इनका उपसर्ग है। तो बैकग्राउंड में खरखर की आवाज आ रही, थोड़ा तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे चलिए। आवाज अगर क्लियर आ रही है सुन लीजिए आप। अब इस उपसर्ग का अन और अनु का खेल जो है इसको अच्छी तरह से देखिए, किताब में काफी दे रखा है, अच्छी तरह से दे रखा है इसको। चलिए अब देखो, अनु का अर्थ है पीछे बाद में और अन का अर्थ है नहीं, और ये विलोम बनाने हेतु है। इस बात का हमको समझ में आना चाहिए, इसलिए अनु को देखते ही अनु पे नैने लटक पड़े। नो देखे, इतनों में तो है अन और अनु केवल यहां पर अनुदिन, और इतनों में अन है, देखिए आप, और इधर भी अन उर्वर अन है, इसको अच्छी तरह से देखिए, जबकि दिखाई देता अनु। अब देखो वृद्धि के कारण उपसर्ग का रूप परिवर्तन में एक और दूसरी दिशा में आपको ले जा रहा हूं, हालांकि ये प्रत्यय पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उपसर्ग के चैप्टर में, इस उपसर्ग के चैप्टर में मैं एक चीज छेड़ रहा हूं, थोड़ा तो प्रत्यय आप समझ जाएंगे लेकिन खास तौर से उपसर्ग क्या रूप बदलते हैं प्रत्यय की वजह से उसको भी आप देखिएगा। देखो संस्कृत में कुछ प्रत्ययों के, सबके नहीं, कुछ प्रत्ययों के लगने से शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे देखो ये हमारे इक ए ई ए प्रत्यय खास, इक ए ई ए, और इसमें परिवर्तन ऐसे होता है, ये प्रत्ययों में पढ़ेंगे हम। देखो शब्द का प्रथम स्वर और इसमें ए किस में बदल जाता है, आ में, छोटी या बड़ी या ए बदल जाता है आई में, और छोटा उ बड़ा उ और ओ बदल जाता है औ में। इस प्रकार का बदल जाना इसको वृद्धि कहते हैं, प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अब देखो ये क्या हो सकता है, आगे देखिए आप लोग, माइक बदल गया, ओके। देखो हो सकता है इस माइक से आपकी आवाज ठीक हो जाए, थोड़ा सा आप लोग रेस्पॉन्स करो कि अब माइक ठीक, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। अब तो आवाज तो नहीं आ रही थी पहले तो, अब आप देखो माइक ठीक, माइक से माइक बदल लिया, तो अगर माइक से आवाज ठीक आ रही है तो फिर आप देखें। देखो मोटी बात यह है कि ये चार प्रत्यय ऐसे हैं, अगर ये चार प्रत्यय शब्द के अंत में यहां लगेंगे, अगर यहां ये प्रत्यय लगेंगे तो उसका जो प्रथम स्वर है, अगर प्रथम स्वर ए है तो बन जाएगा आ, और प्रथम स्वर ई या बड़ी है या ए है वो बनेगा आई, और प्रथम स्वर उ है या बड़ा उ है या ओ है तो ये बनेगा औ, ऐसा बदल जाएगा। अब देखिए आप एक प्रत्यय, एक प्रत्यय को देखो, या तो एक प्रत्यय, या साहब थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब वो मामला उसमें गड़बड़ था, बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच, या अब देखिए साहब ये एक प्रत्यय, एक प्रत्यय का असर देखो आप, केवल शब्दों पे नहीं बता रहा, केवल उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम। शरीर में एक लगने से बनता है शरीर है, और एक लग गया तो आप जानते हो खूब ये शारीरिक बनता है, लेकिन शरीर तो शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, मैं अभी केवल उपसर्ग की बात कर रहा हूं, शब्द के पहले जिनमें उपसर्ग आता है देखो क्या चेंज है। अनु आनु बन जाएगा, ए बन जाएगा आ में, ये देखो अनुवंश आनुवंशिक, अनुपात आनुपातिक, अनुवशंग आनुषंगिक, यास इसका मतलब। अब देखो ये अनु का एक और दूसरा रूप है, अनु क्या बन गया, आनु आनु आनु, किसकी वजह से, एक की वजह से, एक की वजह से, एक की वजह से। तो आपको यहां पर आ उपसर्ग नहीं है, ये आ भी उपसर्ग नहीं और आनु भी नहीं है, ये उपसर्ग है अनु, अनु जो है आनु बन गया एक की वजह से। उधर देखिए उप, उप ऑप बन रहा है,
देखो उपचार औपचारिक, अब बताओ औप उपसर्ग थोड़ी है, उपसर्ग तो उप है, उपनिवेश औपनिवेशिक, उपनिषद औपनिषदिक, यस देखो उप औप बन गया ना, तो ये आगे पढ़ेंगे हम, प्रत्यय जब आएंगे तब फिर से मैं आपको इनको सब आपको पढ़ाऊंगा मैं, या अब देखो एक प्रत्यय की वजह से, और देखो प्र बन जाएगा प्रा, ये प्रसंग है और ये प्रासंगिक बन गया प्रा, जबकि प्रा नहीं है, ये प्र है, ये प्रयोग है, और ये क्या बनेगा प्रायोगिक, प्रा में चेंज हो गया, ये परी है और ये पारी बन गया, परितोष क्या बना पारितोषिक, परितोष है पारितोषिक बन गया, ये देखो उद औद बना, उद का ये नवा रूप देखो आप लोग पहले जो है ना कल भी औद आया था, ये बनेगा ये उद्योग है और इसमें इक लगा, इक लगेगा अगर तो इक के प्रभाव से ऊ क्या बनेगा औ बनेगा, अब ये औद औद नहीं है, ये उद ही उपसर्ग है, ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए प्रत्यय का जो प्रभाव आ रहा है उपसर्ग पर उसको भी आप समझिए आप। अब देखिए ई प्रत्यय ई आ रहा है और स से सा बनेगा सरथ और सारथी, अब देखो सरथ में उपसर्ग क्या है स, और यहां बन क्या गया सारथी, सारथी अशुद्ध है सारथी, ये सारथी बिल्कुल ये ई की ई प्रत्यय और सारथी बन गया, अब ये सा नहीं है, ये मूलतः स है जो ई प्रत्यय की वजह से सा बन गया, पहचानना पड़ेगा सारथी में उपसर्ग क्या है स। अब देखो वी वही में चेंज होगा, देखो एक प्रत्यय की वजह से विकल्प, अब विकल्प में उपसर्ग कौन सा है वी, और वैकल्पिक में वही दिख रहा है, वही नहीं है ये वी है, ये देखिए आप ये उपसर्ग पढ़ रहे हैं हम, कैसे प्रत्यय का असर उपसर्ग का रूप बदल लेता है वो पहचान हमारे पास होनी चाहिए। तो वैकल्पिक में उपसर्ग क्या है, एक प्रत्यय तो है एक, कल्प है शब्द है, कल्प शब्द है और उपसर्ग है वही, और वही नहीं होकर के उपसर्ग मूलतः वी है, ये वी है, और देखिए विवाह क्या बनेगा वैवाहिक, विवाह में वी उपसर्ग है, वा मीन्स वहन करना, वहन करना एक जिम्मेदारी, वहन करना एक दूसरे की, वहन क्या करना जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी वहन करना, इसे विवाह कहते हैं, और जब इक लगा तो वी क्या बन गया वही बन गया। अब ये देखो और देखिए विज्ञान वैज्ञानिक बन गया, बहुत सरल हो गया वैज्ञानिक, परीक्षा में से कौन सा वाला शब्द आएगा बनने वाला है, बनने के बाद अर्थ परिवर्तन वाला, अर्थ परिवर्तन वाला बन जाएगा तब, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, वो पूछेंगे इनमें से, देखो ये शब्द है ये वीक्षक है और ये व्यास है और ये वैवाहिक है और ये विप्र है, कि बताओ वी उपसर्ग किसमें है, विप्र तो शब्द है, देखो इसमें वी और ईक्षक है, इसमें वी और आस है, इसमें वी और वा है, अब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कहां है, इसका मतलब वी क्या क्या बनता है वो आपको पता होना चाहिए। नैदानिक बताइए, निदान नैदानिक या प्रियंका, निदान और निदान में इक लगेगा तो क्या बनेगा ये नैदानिक हो जाएगा, और नैदानिक में उपसर्ग कौन सा है नी है, नैदानिक। अब देखो विधान से क्या बनेगा वैधानिक, नैयायिक में निस, ओ नैयायिक में देखो ये नी और आय, देखो इन्होंने एक सवाल उठाया, अच्छा सवाल उठाया, नी और आय, ये नी और आय, और नी और आय से क्या बनता है न्याय, और न्याय में इक प्रत्यय लगा, तो देखो न्यायिक के दो होते हैं, एक न्यायिक बनता है न्यायिक, न्यायिक कार्य न्याय से संबंधित कार्य न्यायिक बनता है, और एक आप जानते हैं न्याय में नी और आय से, तो बिल्कुल ये न्याय में एक दूसरा रूप है, नी बनेगा नई और ये या है ही नैया, और ये इक हो गया, जो न्याय दर्शन में विश्वास करते हैं
न्याय दर्शन में जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो न्यायी कहलाते हैं। तो देखो, न्याय में एक लगने से एक बनता है न्यायिक और दूसरा बनता है न्यायिक। ये दोनों प्रकार के रूप हैं न्याय में, इसलिए विश्लेषण में वी और श्लेष और अन, दीपक चौधरी वी। सिद्धांत का क्या बनेगा? सिद्धांत में काय का उपसर्ग है भाई, सिद्ध अंत है। कल अवकाश रहेगा, बिल्कुल कल अवकाश रहेगा। देखो, विधान से वैधानिक बनेगा, विशेष से वैशेषिक बनेगा, एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, विचार से वैचारिक बनेगा, व्यक्ति से वैयक्तिक बनेगा। देखो ये अलग तरह का, व्यक्ति से जैसे नैयायिक बना वैसे वैयक्तिक बना, ये वैयक्तिक। अब इसमें वी और अक्ति है, आप जानते हैं इसमें वी उपसर्ग है, ये सब वी उपसर्ग है और क्या बन गए? ये वही बन गए, जानना पड़ेगा सब। तो ये वी उपसर्ग है, ये देखो यह प्रत्यय आ गया, विशिष्ट से वैशिष्ट बन गया, यह प्रत्यय का भी यही हाल है, वी बन गया वही, और वी चित्र से वैचित्र बन गया, और विराग से देखो वैराग्य बन गया, वैराग्य, और वी धवा से वैधव्य बन गया, और वी भिन्न से वैभिन्न बन गया, और देखिए यास अप्रत्यय, देखिए अप्रत्यय भी यही काम करता है, ज्यादा नहीं है लेकिन अप्रत्यय में देखिए, सु से सौ बनेगा, देखो सुष्ठु से बनेगा सौष्ठव, सुपसर्ग है सुष्ठु यानी अच्छा, और सौष्ठव बन गया सौ। ऐसे देखो सुहृद से सौहार्द बन गया, इनको बाकी डिटेल में प्रत्यय पढ़ेंगे, मैं केवल आप इतना सा समझ लीजिए अभी कि ये सुपसर्ग सौ बन रहा है, क्यों बन रहा है इसको प्रत्यय बताऊंगा। सुमित्रा से बनेगा सौमित्र, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, यह सौमित्र है सु सौ में, और ये देखो ए में भी यही बनेगा, ऐसे आ बनेगा, अतिथि से आती थे, अब अतिथि में ए उपसर्ग है, जिसकी कोई तिथि नहीं हो, बगैर तिथि के सूचना क्या आ जाए, तो ई और ये आती थे, अब ये आ उपसर्ग थोड़ी है, ये तो ए की वजह से ए आ बन गया। अब यह प्रत्यय देखिए, और अभी से अभिजात और आभिजात, देखो यह प्रत्यय जुड़ा या यह प्रत्यय जुड़ गया, यहां अभी क्या बन गया? आभी, ए बन गया आ, अब आ भी उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग अभी है। सदृश देखो, सदृश में सह उपसर्ग है, समान दिखने वाला सह, और यह बन गया सादृश्य, यह की वजह से सह बन गया सा, अब यह सा नहीं है, यह सही है सादृश्य। ये अदिति देखो, अदिति सूरज की मां का नाम है, और इसमें यह प्रत्यय लगने से क्या बना? आदित्य। अब आदित्य में आ उपसर्ग समझने की भूल मत करना, आ उपसर्ग होता है आचरण आचार आरंभ आश्रय सब में आ उपसर्ग होता है, यहां आ उपसर्ग नहीं है, ये अदिति है, ए है, और यह प्रत्यय की वजह से ए क्या बन गया? आ। यह हमारी समझ होनी चाहिए, ये हो जी। अभी आप पूरा बहुत अभी मास्टरी के बारे में मत सोचना, मैं सिर्फ आपको मैंने डिस्टर्ब किया है कि प्रत्यय की वजह से प्रथम स्वर में परिवर्तन आता है, और जिन शब्दों में उपसर्ग लगता है तो प्रथम स्वर उपसर्गों का ही आएगा और वो सब उपसर्ग बदल जाएंगे। ये देखिए उद औद बनेगा, उदार औदार ये बन गया, ये औद बन गया, औद उद था तो ऊ और औदार हो गया, उत्सुक औत्सुक के बन गया, ये देखो औत बन गया है उद, तो औत में उपसर्ग कौन सा है? उद। ये स की वजह से उत्सुक या दय तो तय बना, स अघोष की वजह से द बन गया, उत्सुक बन गया, और इसमें यह प्रत्यय लगा, यह प्रत्यय लगा तो उत बन गया औत। अब आपको पहचानना पड़ेगा औत क्या होता है, औत होता है उत और उत होता है उद, संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। अभिजात का अर्थ है अच्छी अच्छे कुल में उत्पन्न, अभिजात, तो आशुतोष अभिजात का है। व्यक्तित्व में सर्वी उपसर्ग है या व्यक्ति वी अक्ति वैद, ये आगे बताएंगे, देखो यह है विधि है, विधि और इसमें ए प्रत्यय लगेगा तो वी वही हो जाएगा, ये तो स्वर गायब हो जाएगा, और ये प्रत्ययों बताऊंगा मैं आप, लेकिन विधि से बना है ए प्रत्यय लगकर के बना वैद, वैद बिल्कुल बताया दीपक चौधरी आपको। अब देखो यह प्रत्यय के और देखो, निर से बनेगा नैर, ये निर उपसर्ग है हमारा, और ये निराशा में नैराश्य हो गया, अब ये बन गया नैर, ये रहा नैर, ये आशा का है, ये निरंतर नैरंतर, ये अब नैरंतर में क्या होगा? यह प्रत्यय लगा निरंतर, यह है निर और ये अंतर, बीच में कोई भी गैप नहीं हो,
और रे और रे मिलकर निरंतर होगा, निरंतर ये सु बनेगा सौ। देखिए सुभाग से क्या बनेगा, ये सौभाग्य बनेगा, सु सौ बनेगा सौभाग्य। सुजन से क्या बनेगा, सौजन्य बनेगा, सु सौजन्य, सुजन्य नहीं अच्छा आदमी। और ये यह प्रत्यय से, और देखिए नी नहीं बनेगा, निकट से बनेगा नैकट्य, निकट में नी उपसर्ग, निकट प्रकट उत्कट, उत्कट में उपसर्ग क्या है उदय, और कै अघोष की वजह से बन गया उत्कट, तो ये कट शब्द है, निकट प्रकट प्रकट उत्कट, ये कट शब्द है, कट का मतलब पास में होना, और नैकट्य बन गया ये प्रत्यय की वजह से नी क्या बन गया, ये नहीं, निपुण से नैपुण्य बन गया, नी नहीं बन गया। सारे उपसर्गों की बात कर रहा हूं मैं अभी, इसका मतलब या पहले अलग प्रत्यय करेंगे और उसके बाद में, अभी आप सिर्फ अगर 25% भी आप समझ जाओ केवल इतनी सी बात कि प्रत्यय के प्रभाव से उपसर्गों के स्वरूप में परिवर्तन आता है, बहुत है। इसको जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब इसी इक को, यह को, ए को, एक एक प्रत्यय को इन्हीं उपसर्गों को लाला करके फिर से पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ ये उपसर्ग में बताने वाला हूं, ये बता रहा हूं कि देखो प्रत्यय भी उपसर्ग के स्वरूप को बदलते हैं, संधि तो बदलती है, ये नी और आय ये संधि से क्या बन गया, न्याय, ये नी न्याय में चेंज हुआ, किसने चेंज किया, ये संधि ने किया, यण संधि ने, लेकिन यहां से नी नई में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, यह प्रत्यय की वजह से। अब देखो निवेद नैवेद्य, निवेद यानी अपनी तरफ से कोई भेंट करें, उत्कट यानी बेचैन, हाँ और बहुत इस तैयारी करने के लिए जल्दी से जयपुर माने के लिए उत्कट है, आखिर वाला वर्ण आधा हो रहा है, यस आधा होगा, वो तो वो प्रत्यय पढ़ाऊंगा मैं चंद्रपाल, वो प्रत्यय पढ़ाऊंगा कैसे, नक्टा शब्द है क्या सर, बिल्कुल है ना, नाक कटा हुआ, ये नक्टा बहुरी समास है। और देखो दुर से दौर बनेगा, दुर्बल दौरबल ले, अब आप समझो कि यह दौर्ब क्या होता है, अरे दुर है और इसमें यह प्रत्यय लग गया तो यह दू बन गया दो में, दौरबल ले उपसर्ग दुर। अब देखो ये हमारा टेस्ट, इस टेस्ट को तो आपको जो है मैं कुछ टेस्ट यहां अभी आपके सामने कराऊं, अब आप तैयार हो जाइए, इसमें से उपसर्ग छांटना शुरू कीजिए, देखो प्रोज्वल में कौन कौन सा उपसर्ग आपको लगता है, अब तैयार हो जाइए, देखिए आप अभी टेस्ट लूंगा मैं, दिमाग लगाओ खुद, प्रोज्वल में क्या उपसर्ग है, इसमें देखो दो दो खाने भी है, पहला उपसर्ग दूसरा उपसर्ग, दो दो उपसर्ग तो है ही, उपसर्ग प्रत्यय एक साथ नहीं, एकता गायत्री ये मामला नहीं, प्रत्यय में अभी बहुत लफड़े, तो प्रत्यय पहले और लफड़े ठीक ठाक हो, अभी तो मैंने केवल इतना सा बताया कि जो उपसर्ग है वो है प्रत्यय से भी प्रभावित होकर के अपना रूप बदलता है बस, और ये आगे चल करके विस्तार से आगे बताऊंगा मैं, ताकि उपसर्गों में आप ये समझ लो। देखिए शाबाश, इसमें प्रोज्वल में क्या है, पहला उपसर्ग है प्र, दूसरा क्या है उद, और शब्द क्या है ज्वल, शब्द ज्वल है क्या, अब देखो विपर्य में पहला क्या है, विपर्य में पहला और दूसरा छांटिए, जल यस, प्र और उद बिल्कुल सही छांट रहे हैं, प्र और उद ठीक पीएसआई में ऐसे ही इनमें से प्रश्न आया है, और प्रश्न यह आया कि किस में दो से अधिक उपसर्ग है, पहले दो को तो पहचानिए, यस टीना एकता कमलेश आपके सब आ रहे हैं, ये कमलेश मीना ने इसका भी कर दिया बिल्कुल सही है, यह है वी और परी, और शब्द क्या है आय, शब्द आय, शब्द आय, और समन्वय, देखो यह है सम उपसर्ग है सम, और ये अनु है, और ये आय है, आय ये शब्द है, आय यानी आना, उपसर्ग है समन्वय, समन्वय में सम और अनु है, सम और अनु है, सम और अनु, शब्द है बाबू राम ने
छांट लिया। बाबूराम तो बिल्कुल जब टाइप करते हैं तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक साथ कितना टाइप कर दिया। ओके, ये कमलेश मीना भी कर गए, धर्म सिंह वी और परी में है। ओके, अब देखिए ये सौहार्द है, अब आपको पसीना आएगा सौहार्द में। सौहार्द में उपसर्ग छांटने में पसीना आने वाला है। कौन छांटेगा, कौन छांटेगा? सबसे पहले किसका आ रहा है? रमा कुमारी, नरेश, विद्याराम, नरेश, एकता, गायत्री। सौहार्द में से कौन सा उपसर्ग है सौहार्द? शाबाश कमलेश मीना, वेरी गुड, कमलेश मीना ने छांट दिया। सू है, यस। देखो यह है सू हृदय, ये सू और हृदय, और इसमें ये अप्रत्यय लगेगा, अप्रत्यय लगेगा तो सू बनेगा सौ, बस। और बाकी क्यों चेंज होगा छोड़ो, बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर के इसमें सू उपसर्ग, सू और ये हृदय शब्द है, हृदय, सू और हृदय। संन्यास का तो आप जानते हो, संन्यास में तो आपका है या सूरत है और अप्रत्यय, शाबाश, अप्रत्यय बिल्कुल सू हृदय है, और आगे जाकर के प्रत्यय ही है, ये प्रत्यय है, शब्द नहीं है, प्रत्यय है। कौन सा? ए। अच्छा बताओ संन्यास में क्या छांटोगे? संन्यास में बिल्कुल एक उपसर्ग है कि दो उपसर्ग है? शाबाश कमलेश मीना, कमलेश मीना बिल्कुल, कमलेश मीना, सुनीता जाट और खुशी यादव, खुशी भाई, एक ही सम छांटोगे क्या? ये सुनीता भाई गुर्जर, ये छांट गई। सुहृद सम नी और आस, ये है सम, ये सम है और ये नी है और ये आस, संन्यास। और प्रत्यपकार का, प्रत्यपकार क्या बनेगा? प्रत्यपकार में छांटो देखे उपसर्ग। अब मसला केवल संधि विच्छेद का नहीं है या? ओ चंद्रपाल गलती कर गए ना, चंद्रपाल कहां उपकार कर गए, चंद्र जगदीश चौधरी तो है, समोर्णी प्रति और अपशाबास कमलेश मीना ने छांटा। देखो सही, ये है प्रति, ये प्रति है ना, और यह में से क्या निकालोगे? ऐ, अप है, और फिर शब्द है कार, अपकार यानी बुराई, प्रत्यपकार यानी बुराई के बदले बुराई। अब ये स्वागत है, छोटा सा स्वागत, इस स्वागत में उस उपसर्ग छांटिए, बिल्कुल ये समझो परीक्षा दे रहे हैं आप, उपसर्ग छांटते जाइए स्वागत में, स्वागत में उपसर्ग छांटिए। यास, एकता चौधरी ने गड़बड़ कर दिया, एकता चौधरी ने थोड़ा सा सुअर आगत छांट दिया, या ये इसने भी कर दिया गलत, स्वयं नहीं होगा भाई, शाबाश हरीश राठौर, सुअरा या सुअरा, तन्मय तन्मय सुअरा बिल्कुल, ये है सु और आ और ये गत, सु और आगत, तो सु और आगत है, मूल शब्द गत, गत यानी जाना, आगत यानी आना, और सु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, सु और आ, शाबाश महेंद्र, सु और आगत, दो उपसर्ग, आपको दो उपसर्ग दिखने चाहिए, वरना पिछले साल का पेपर जैसे आ जाएगा किसमें दो से ज्यादा उपसर्ग है, तो फिर अगर हम इसमें तो दो उपसर्ग जान ही नहीं पाएंगे। यस, अब आगे चलिए देखिए, ये लो, ये पहले का बना हुआ टेस्ट है, पिछली बार आ गया, इसी में ए जोड़ करके और टेस्ट पेपर बन गया, इसी में देखिए, व्यवस्थित में उपसर्ग छांटो, व्यवस्थित में उपसर्ग छांटो, या आपके गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे गलत राजीव, संधि नहीं आ रही, या तो आप कहां चले गए, ये सवाल तो व्यवस्थित का था, व्याघात में कहां चले गए? यास वी और अभी आ गया, बाबूदान आ गया, ओपी मीना आ गया, ओपी मीना, देखो व्यवस्थित में वी और अव और स्थित शब्द है, स्थित व्यवस्थित स्थित है, अवस्थित है, और यहां पर ई के बाद ए आएगा तो वह हो जाएगा आधा और ई बदलेगा यह, वह हो जाएगा और ये मिल जाएगा, व्यवस्थित हो गया ये में से संधि छेद कैसे करोगे,
यह में से क्या निकालोगे? अव्यवस्थित, व्यवस्थित निकालोगे, और यह को ई में बदल के वी करोगे तो वी तो एक उपसर्ग हो गया, एक उपसर्ग अव हो गया, स्थित्र शब्द हो गया, व्यवस्थित हो गया, या वी और अव, शाबाश। और इसी में पिछली बार, इसी में, अच्छा मैं आगे ले गया, ओ हो 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 हो, क्या ये गलती हो गई, सॉरी 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 वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, एक पूछ छूट गया, ये व्याघात है, व्याघात में शाबाश। तभी मैं सोच रहा हूं क्या बात है, ये अपने आप कैसे व्याघात आ रहा है, तो वी और आघात बिल्कुल सही है, ये वी और आ, और ये घात, घात शब्द है, दो उपसर्ग है। अन्याय, अन्याय में क्या करोगे, अन्याय के साथ अन्याय मत, न्याय अन्याय मत कर देना, अन्याय बिल्कुल, अन्याय का करीजिए, कीजिए, क्या करते हैं, अन्याय को मैं जानना चाहता हूं क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, अन्याय। मनीष मीना अनु कर गए, शाबाश, ये कर गए कमलेश मीना, अन्याय। ये देखो न्याय है, और न्याय का विलोम अन्याय है, तो ऐ तो अलग हो ही गया। अब न्याय में से नी और आए, ये नी और आए, अन्याय हो गया। औपचारिक में देखो, अब औपचारिक तो आप अभी ये टेस्ट कैसे करते हैं आप, जब तक कि मैं प्रत्येक वाला असर नहीं करता, ये है उपचार, देखो ये उपचार है ना, उप और चार, चार और इक, इक तो प्रत्यय है, चारिक, यस, उपचार में इक लगा तो उपचारिक, उपसर्ग तो एक ही है, उपचारिक में इतना बड़ा शब्द है, उपसर्ग एक है। और ये पर्यवसान में, पर्यवसान में क्या बनेगा, ये बनेगा परी, और ये बनेगा अव, और ये बनेगा सान, ये पर्यवसान हो गया। ये प्राकृतिक का क्या करोगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक पर्यवसान हो गया प्राकृतिक का। ये विश्लेषणात्मकता जिसमें जैसी आएगी, परियोरा हो गया, परियोरा हो गया बिल्कुल, ये विश्लेषणात्मकता चाहिए, ये विश्लेषणात्मकता जिसमें आएगी उसके लिए गएगा बिल्कुल प्राकृतिक, शाबाश कमलेश मीना। तो यार बहुत ही प्रकृति, देखो ये शब्द है प्रकृति, प्राकृति, और इसमें इक प्रत्यय लगा, और इक प्रत्यय से प्र क्या बना, प्रा बन गया, क्रय, और ये तिक, ये प्राकृतिक बना, तो ये प्र और ये कृति और ये इक, ये प्राकृतिक बन गया, प्र बनेगा प्रा, प्र और आ, नो नो आ नहीं, बिल्कुल नो, नो प्रकृति, केवल एक उपसर्ग है प्रकृति, और इससे इक से बन गया प्रा, यही तो चक्कर में आ गए, प्र और आ नहीं है, ये प्रकृति है, टीना बिल्कुल सही कर रही है, प्रकृति, प्रकृति और इक के प्रभाव से बन गया प्रा, ये प्रा हो गया, बस ये प्रा आ तो इक की वजह से बना है, तो उपसर्ग केवल एक है, प्र प्रकृति, प्राकृतिक बिल्कुल, ये विजेंद्र पाल सिंह और ये सही है, तो प्राकृतिक है, ओके। अब देखिए व्यापार में, व्यापार में चली, वह व्यापार में दौड़े चल रहे हैं हमारे, कमांडो चल रहे हैं, कमलेश मीना, वी और आ, व्यापार वी और आ, और पार, पार का मतलब है इधर से उधर चीजों को करना, कर लेते हैं ना, पार आ पार, विशेष रूप से इधर से उधर चीजों का आदान प्रदान, ये व्यापार है। और निराकरण में बिल्कुल निर, निर और आ, और शब्द है करण, निराकरण, निर आकरण, देखो कैसे बिल्कुल निराकरण। अब चलिए यहां पर व्यवस्थित, अब आ गया मामला, या कृत प्राकृतिक, प्रकृति कृति मूल शब्द कृति है, और जो ही इक लगेगा कृत हो जाएगा, और फिर इक लगेगा, वो प्रत्यय पढ़ाएंगे आप, प्रत्यय काफी कॉन्सेप्ट है अभी, नीर, नीर मानवी नीर में बड़ी की मात्रा कैसे कर सकते हैं निराकरण में, निर टाइप होने की गड़बड़ आपके बहुत फास्ट पे, आप दबाव पे भी रहते हैं,
टाइप इधर की उधर हो आ जाती है आपसे, हैं निराकरण, ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित का करो। ये पिछली बार आया ना, वी और आओ मनीष, विजय सिंह मीना, मनीष मीना, या बिल्कुल आओ, ये है वी और आओ, आओ और स्थित शब्द है, व्यवस्थित, ओके, प्राप्त, प्र और आप्त, शाबाश, तन्मय ने प्रप सही कर दिया, प्र और आप्त, त्र और आप्त, आप्त यानी आना, प्र यानी अच्छी तरह से आना, प्राप्त, ये आधिकारिक का दिमाग लगाओ। आधिकारिक का क्या क्या उपसर्ग है देखिए, आधिकारिक, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ज्यादा तो नहीं, लेकिन आधिकारिक में दिमाग चाहिए, बिल्कुल। देखो घर बैठे क्या कार्यक्रम चल रहा है, शानदार, घर बैठे टेस्ट दे रहे हैं, घर बैठे दिमाग को विश्लेषणात्मक बना रहे हैं, अधिकार एक शब्द, अधिकार एक, बिल्कुल सही है कमलेश, ये अधिकार है, अधि और कार मूल शब्द है, ये रहा कार, ये प्रत्यय नहीं है, दूसरा उपसर्ग नहीं है, और फिर इसमें एक प्रत्यय है, और इस एक प्रत्यय से अधि क्या बन गया, आ बन गया, ये आ बन गया, ये है बन गया आ, एक की वजह से, लेकिन आधी नहीं है, है अधि उपसर्ग। अब चलिए अभ्यर्थी में तो बहुत सरल है, कोई खास बात ही नहीं, आप सब जानते हैं, ये तो अभी अर्थी है, ये अभी और अर्थी यहां है, अर्थी का मतलब इच्छुक, अभ्यर्थी हो गया। अब ये औद्योगिक को थोड़ा दिमाग लगाओ, वैसे तो काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन औद्योगिक में से उपसर्ग छांटो। आपको कैसे नहीं, सुमन यादव, यस सुमन यादव भी आ रहा है, तन्मय, खुशी, थोड़ा सा ज्यादा चलते हो फास्ट, दारा चौधरी, अभी बिल्कुल अभी, सुनीता जाट एंड तन्मय चौधरी एंड महेंद्र, अभी ये तो आप लोगों को टाइप करना भी खूब आ गया क्या बात है, बहुत फास्ट टाइप करने लग गए, सीख गए हो नरेश, जब ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो टाइप तो आना ही चाहिए। यस नरेश दीवान, उद, शाबाश, उदय, नरेश है, उदय, विजेंद्र पाल है, बिल्कुल, और ये उदय, बिल्कुल उदय, ये उदय, और ये योग है, और इससे बनता उद्योग, एक ही उपसर्ग है, और यहां पर प्रत्यय है इक, और उसी इक के प्रभाव से ऊ क्या बन गया, औ बन गया। व्यवहार में दो कमलेश मीना, कमलेश मीना तुम तो यार क्या बात है, मास्टर हो उपसर्ग के, व्यवहार, वी और अव, शाबाश, वी अव और हार, वी और हावर, यस, और जगदीश चौधरी सारा का सारा टाइप करने के लिए काम बैठा हुआ था भाई, सारा टाइप ला करके डाल दिया। उद्योग में एक निरुपमा चंद्रपाल सिंह, निरुपमा शाबाश, चंद्रपाल सिंह उपमा किया आपने, यस, वी और अव हो गया, और ये निर, ये है निर और उप, और ये मां शब्द है, मां का अर्थ है तुलना करना, ये मैं बताया था पहले भी, निरुपमा, अनुपमा, निरुपमा, तो उपोपसर्ग है, दो उपसर्ग है, दिनेश जोशी, निर अलग है, उप अलग है, निर और उप, यस कमलेश मीना ने, इसने दो अलग किया, एकता गायत्री उप भी छाटो, उपमा में से, उपमा में उप और है, उप और शब्द है मूल मां, मां का मतलब, जीवन सिंह ने सही किया, निरुपमा। अब और आगे चलिए, देखिए ये उपमा, उपमा में तो बहुत सरल है, मैं छांट देता हूं, आपको छांटने की जरूरत नहीं, ये रहा उप और ये रहा मां, एक शब्द है उपमा। सूक्ति को भी मैं ही छांटूंगा, यह है सू और यह है उक्ति, एक ही उपसर्ग है। निराकरण, ये तो निराकरण तो आप लोग पहले कर चुके, ये निर, निर और आ और करण, निराकरण हो गया। अब तो अव्यय में से छांटिए, छोटा सा है अव्यय, इसमें उपसर्ग छांटो, अव्यय में से उपसर्ग छांटिए, निरुपमा बिल्कुल सही है, निरुपमा तो है ही, हा या सू भी छांट दिया, ये तो सब हो गया, अब तो आप उसमें छांटो, अव्यय में से छांटिए, अव्यय में थे देखिए कौन सही छांटता है, यस ये दारा, टीना और नरेश, ये सब सू में लगे पड़े हैं अभी, यस ये कमलेश मीना ही है भाई, कमलेश मीना जो है, क्या बात है कमलेश मीना, ठीक, ये फिर आगे विजय सिंह आ गया, हरीश खिलेरी आ गया,
तन्मय तो अब उसे कैसे काम चलेगा? खुशी खुशी ऐ एर वी ऐ भी ऐ यास ऐ और वी और आय शब्द है आय। देखो वी और ऐ ये बनता है व्यय और व्यय के पहले फिर ऐ लगा दिया अव्यय जिसका व्यय न हो व्यय नहीं हो ऐ ऐ देखो व्यय है ये देखो व्यय व्यय का संधि छेद क्या करोगे यह में से ऐ आय निकालोगे और यह को इम बदल के वी करोगे और इसी के पहले ऐ जोड़ोगे तो फिर ये ऐ उपसर्ग हो गया एक ऐ उपसर्ग हो गया वी उपसर्ग हो गया ये आय जो है आय यानी आना ये हमारा शब्द हो गया। अब देखिए आनुवंशिक आनुवंशिक में उपसर्ग छांटिए आनु आनुवंशिक यस अनुवंशिक एकता गायत्री बिल्कुल अनुवंश और इच्छावास एकता एकता आपने बिल्कुल छांटा और अनुवंश में खुशी छांट गए और पुखराज छांट गए और कमलेश मीना छांट गए आशुतोष अनुवंश ये बिल्कुल अनुवंश अनु और वंश है वंश शब्द है उपसर्ग एक ही है इस दो उपसर्ग नहीं देखो एक खाने है पहला और दूसरा उपसर्ग इसलिए ध्यान रखना कि मैं यहां लिख दूं तो गड़। और इसमें एक प्रत्यय है एक प्रत्यय की वजह से ऐ क्या बन गया आ बन गया और प्रत्युपकार प्रत्युपकार का तो जो है वो ये तो पहले ही ले पड़े प्रत्युपकार को तो ये प्रत्युपकार ये है प्रति और ये उप और ये कार है और आनुपातिक आनुपातिक में अनुपसर्ग है अनु और पात और इक है अनुपात में इक लगेगा आनुपातिक राइट। अब आप आगे चलिए देखो दो ओ सॉरी 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 ये पात पात इधर आएगा पात और इक अनुपसर्ग उपसर्ग एक ही है आगे चलिए देखो बस आज इतना ही करेंगे 35 तक करेंगे बाकी 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 जो है इसका टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट है 80 का है 80 का मास्टर टेस्ट है मास्टर। और अभी इसके माध्यम से मैं सोमवार को कुछ और उपसर्ग इसके माध्यम से पढ़ाऊंगा अभी ये तो अभी इसमें तो जो जो हमने अभी पढ़े हैं वो है लेकिन कुछ इसके माध्यम से अरबी फारसी के उपसर्ग और आने वाले हैं। या ये निरुत्साह निरुत्साह में क्या करेंगे दिमाग चाहिए निरुत्साह में उपसर्ग छांटने के लिए अरे छांट लिया कमलेश मीना ने छांट लिया और सौरभ भारद्वाज तो एक ही छांट पाए सौरभ एक ही छांट पाए आप और तन्मय दोनों ने छांट तन्मय ने दोनों छांट लिए और ये उत कहां से ले आए रे कमलेश मीना उत ये उद है और खुशी यादव बिल्कुल निर और उद चंद्रपाल सिंह नरेश दीवान बिल्कुल टीना टीना दारा चौधरी बिल्कुल निर और उद है ये देखो उद और सा है ये उद और सा से अघोष है और दय किस्म बदल जाएगा तय में बदल जाएगा उत्साह हो जाएगा तो ये एक तो उद उपसर्ग है और उत्साह के पहले निर और लगा दो निर अब रे और ऊ मिलके रू बनेगा ये रू बन गया निर उत्साह शाबाश ये देखो निर रे और ये है उद और सा शब्द है सा मीन्स कार्य अच्छा कार्य संवैधानिक इसमें दिमाग लगाओ संवैधानिक शब्द ये बिल्कुल आने योग्य है या सुनीता जाट वेरी गुड सुनीता बिल्कुल अब की बार तो संविधान शाबाश सुनीता ये विश्लेषण चाहिए ये भेजा चाहिए यह है साम देखो स यह है सम और ये वी और धान और इक अब देखो ये तो विधान हो गया और संविधान हो गया अब स मैं बिंदी हो गया और संविधान में इक लगेगा तो संविधानिक कुछ लोग गलती से ये संवैधानिक कर देते हैं संवैधानिक शब्द गलत अरे संविधान शब्द है संविधान और संविधान पे एक लगाएंगे और जब संविधान पे एक लगाएंगे तो इसका असर कहां आएगा या आएगा इस पे बेचारे पे वी पे क्यों आएगा संविधान और इच्छावास। अब आगे चलिए देखिए तो ये सम और वी
और धान और इसी में इक। अन्वेषण में बहुत सरल है, काफी लोगों ने जिन्होंने संधि कर रखी है। अनु और एषण है, एषण एषण यानी इच्छा रखना, जांचने की। दुरात्मा बहुत सरल है, अनु और एषण है, एकता ने कर दिया अनु और एषण। आशुतोष, मनीष, यस, तन्मय, अनुरेशन, वेरी गुड। अब आप देखो आपकी संधि कितनी मजबूत हो रही है। और ये सुनीता जाट, सुनीता बिल्कुल आगे भाग रही है। ये दुर, दुर और आत्मा, सुनीता लड़कों से भी आगे भाग रही है, हैं? फिजिकल में लड़कों को जीतेगी। दुर और आत्मा, चंद्रपाल सिंह, दुर, दुर और आत्मा। आत्मा में आ नहीं है मनीष मीना, आ नहीं है, आत्मा शब्द है, इसलिए दुर और दूर नहीं है, दुर है, दुरात्मा। ये रह और आ मिलकर के राह बन गया। और निरुपाय में, निरुपाय में आपको पसीना आएगा, निरुपाय में आएगा, निरुपाय में आएगा। और कुछ नहीं, हमारे कमांडो को कुछ नहीं आया, कोई ये चंद्रपाल सिंह को कुछ आया, बिल्कुल। और सुनीता जी जल्दी के चक्कर में उपाय के उप और को छांट ही नहीं पाई आप, या ये मानवी चौधरी आप भी तो उपाय को नहीं छाट पाई, और ये राजकुमारी रमा कुमारी ने छाटा, और ये नरेश भी नहीं छाट पाए, लेकिन दीपक चौधरी ने छाटा। ये है निर, ये निर और ये उप और आय, ये दीर्घ संधि होगी, इसका एर आ मिल करके तो उपाय हो गया, उपाय और निर उपाय, जिसका कोई उपाय ना हो, निर उपाय, बिल्कुल हेमराज, बिल्कुल हेम महेंद्र। और निलय में क्या करोगे, निलय में तो आप क्या करोगे, मैं ही कर दूंगा, निलय में तो मैं कर दूंगा, नी और लय, नी और लय। देखो लय का मतलब किसी चीज में मिले होना, वैसे निलय घर को कहते हैं, हम घर में जाकर के वहीं पे तो मिल जाते, निलय प्रलय। देखो इसका ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए, संलय अच्छी तरह से मिल जाना, सम उपसर्ग है, प्रलय ये प्रलय है, प्र उपसर्ग है, ये आलय है स्थान, आलय, और ये विलय है, विलय विलीन हो जाना किसी चीज में, और ये निलय है। देखो लय के साथ कितने उपसर्ग है, सम प्र आ वी नी, ऐसे दिमाग से सोचिए निलय हो जाएगा। निलय का मतलब होता है घर, यस, धर्म सिंह, एकता, या और वाह भाई वाह, तन्मय आप तो और आगे दौड़ गए दूर हम में शाबाश बेटे जी। यह है दुर, यह है दुर और रम्य, रम्य यानी जो मन को अच्छा लगे, मन को रमाए, और दुर का मतलब है दुर्लभ सौंदर्य, ये दुर्लभ सौंदर्य, दुर रम शाबाश, ये व्यंजन संधि भी है, ये दुर उपसर्ग भी है, दुर में से दुर, बिल्कुल यह दुर रम्य, बिल्कुल दुर और रम्य, बिल्कुल ये आपने व्यंजन संधि भी कर दी, दुर उपसर्ग को पहचान लिया और दुर रम्य, बिल्कुल सही किया आपने। बास मित्रों, हम लोग बास आज यहीं पर 35 पर, 35 पे करते हैं, आते ही सोमवार को सबसे पहले इसको करेंगे, और उसके बाद नया चैप्टर प्रत्यय का शुरू करेंगे, प्रत्यय का शुरू हो रहा है सोमवार को, सोमवार को प्रत्यय हो रहा है। जो बच्चे देर से, जिन्होंने देर से भाग लिया है, देर से ज्वाइन किया है, इसमें पढ़े हुए संधि वाले सब पढ़ जाना, क्योंकि संधि के पढ़ने से ही इनमें कई जगह दिक्कत आ सकती, संधि नहीं पड़ेगी तो, इसलिए संधि आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट आपको, आप जैसा हिंदी का टीचर नहीं देखा, अरे गोल, ऐसी क्या बात है, मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं बच्चों, आज तो सारा काम ही तुमने किया है, तो मैंने भी आप जैसा नहीं देखा, आज तो आप दौड़े हो, मैंने तो कुछ पढ़ाया ही बहुत कम पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया मैंने तो, वो थोड़ा प्रत्यय का प्रभाव क्या होता है, विश्लेषणात्मक, दिमाग, दिमाग बिल्कुल विश्लेषणात्मक का मतलब है 4 स्टार 4 स्टार, बस ये दिमाग मुझे तैयार करना है, और इसी से हो जाएगा, हो जाएगा, देखना आप थोड़े दिनों में देखना, जो अभी बैच चल रहे हैं वहां पर परिष्कार में ऑफलाइन के, तो बिल्कुल उनको लग रहा है सर सर कमाल हो गया, क्या हो गया, हमें कितना चेंज आ गया सर, मजा आ गया क्लास में, ओके नरेश दीवान थैंक यू वेरी मच। आप परसों के दिन, अब देखो प्रत्यय में धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे होएगा, थैंक यू, और थैंक यू आशुतोष, थैंक यू आशुतोष, थैंक यू आशु, नमस्कार।